नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 10 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिवसीय मानसून सत्र में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन उससे पहले लालू परिवार का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू परिवार सहित अन्य लोगों पर जो है सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है। अब ऐसे में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और 12 जुलाई को सीबीआई कोर्ट में जो है पेशी होना है। उससे पहले बिहार विधानमंडल का आप तस्वीर देखिए। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर कर चुका था, लेकिन अब ऐसे में लालू परिवार की मुश्किलें जो है वह बढ़ती जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जो है 3 जुलाई को दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों सहित कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं। अब ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और कई अन्य के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है, लेकिन बता दें कि कुछ कथित मामला एक अलग कार्य प्रणाली के साथ जो है वह किया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि लालू और 3 अन्य के खिलाफ मंजूरी का इंतजार है। तेजस्वी यादव का चार्जशीट में नाम आने पर जो है आरजेडी के कई नेता ने कहा कि न्यूज एजेंसी के द्वारा जो है किस तरह से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रहा है। यही नहीं, देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने को रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उसके लिए हम तैयार हैं। यही नहीं, ये मामला जो है लालू यादव के परिवार को जो है जमीन देकर या जमीन बेच कर के बदले में लोगों को रेलवे में नौकरी देने से संबंधित यह मामला है। और यह मामला जो है 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और सीबीआई का आरोप है कि जो जमीनें ली गई थी वो राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीशा भारती के नाम पर ली गई है। इस मामले में जो है सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी से बीते मार्च जो है महीने में कई घंटों जो है पूछताछ की गई थी, जिसके बाद आरजेडी ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला था और कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। और यही नहीं, जिस तरह से लगातार लालू परिवार का संकट इन दिनों सीबीआई और ईडी के बीच फंसा हुआ है, जिस तरह से लालू परिवार बीते दिन ही यह कह दिया था कि बिहार में जब विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही थी उस दौरान तेजस्वी यादव ने भी मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान में कहा था कि हमें मालूम है कि बीजेपी में बौखलाहट है और हमें इन सब कई चीज़ों में जो है वह फंसाया जा सकता है। यानी कि सीबीआई और ईडी जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके हमें फंसाया जा सकता है। अब ऐसे में बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाएं, जब आपने नौकरी के बदले जमीन लिया है तो जवाब तो लालू परिवार को देना ही होगा। लेकिन बता दें कि मानसून सत्र का 10 जुलाई से शुरुआत होने जा रहा है, ऐसे में 12 तारीख को जिस तरह से लालू परिवार को जो है सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है, तो ऐसे में सत्र में भी जो है क्या कुछ मुश्किलें जो है सरकार की तरफ से बढ़ने वाली है, न्यूज़ फाउंडेशन वह भी अपडेट आप तक देता रहेगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।